हेलो फ्रेंड्स, इरोटाक एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं फिर उपस्थित हो चुका हूं एक नए जॉब अपडेट को लेकर के। यह जॉब अपडेट है नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार सरकार की यह जॉब है, और इसके अंतर्गत सचिवालय सहायक के पदों पर संविदा के आधार पर भर्ती निकाली गई है। लंबे समय बाद इसकी बहाली आई है, तो इसके लिए लास्ट डेट रखा गया है 27/1/2023 तक। और इस वीडियो में इस वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। और ये देखिए, नगर विकास एवं आवास विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग के अधीन सचिवालय सहायक के रिक्त पदों पर के विरुद्ध सेवानिवृत्त सचिवालय सहायक का संविदा आधारित नियोजन की सूचना। और इसके लिए जो है आप लोगों को ऑनलाइन करना है। ये देखिए, ईमेल पर इसकी जो है रिक्वायरमेंट के लिए आपको 13/1/2023 से 27/1/2023 के 5 बजे तक भीत प्रपत्र में अनुलग्न सहित आवेदन आमंत्रित किया जाता है। और यह जो आप लोग अपना ऑनलाइन आवेदन करेंगे ईमेल पर, तो वो पीडीएफ फॉर्म में आपको ऑनलाइन करना है। इसके लिए देखिए, टोटल 41 पोस्ट और ये महिला के लिए 20, यानी टोटल 61 पदों पर बहाली आई हुई है। नियोजन हेतु नियम, और ये देखिए, संविदा के आधार पर नियोजन 2 वर्ष अथवा 65 वर्ष दोनों में से जो पहले हो के तक के लिए आपको सेवा देना होगा। और संतोषप्रद सेवा की स्थिति में अधिकतम 65 वर्ष या वर्ष की उम्र तक के लिए एक एक वर्ष की सेवा अवधि का विस्तार किया जा सकता है। विशेष परिस्थिति में 67 वर्ष तक सेवा अवधि बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है। आरक्षण कोटि के विरुद्ध आवेदन करने वाले को सक्षम प्राधिकार एवं निर्गत जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। सेवानिवृत्त और संविदा नियोजन के बीच वेतन पेंशन पुनरीक्षण खो जाने की स्थिति में निर्धारित मानदेय अपरिवर्तित रहेगा। वैसे अभ्यर्थी जिन पर कोई निगरानी का मामला, विभागीय कार्यवाही, गंभीर आरोप विचाराधीन, दंड आरोपित हो, आपराधिक मामला दर्ज हो, की सेवाएं नहीं ली जाएगी। जिसके ऊपर कोई मुकदमा चला हो तो वो फॉर्म इस फॉर्म को नहीं भरेंगे। विज्ञापन एवं शर्तों से संबंधित किसी भी प्रकार के परिवर्तन किया जा सकता है। और आवेदन करने हेतु विभिन्न प्रपत्र विभागीय वेबसाइट दिया हुआ है, state.bihar.gov.in पर जाकर के इस फॉर्म के बारे में पूरी जानकारी आप वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। और यह बहाली जो आई हुई है संविदा के आधार पर है, और सेवानिवृत्त जो रिटायर हो चुके हुए हैं उनके लिए है, वही फॉर्म भर सकेंगे। तो यह जानकारी आपको कैसा लगा, इसकी प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। जाते जाते, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर कर दीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।